हेलो हाय नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। होप्स आप सबकी दिवाली बहुत ही हंसी खुशी बहुत ही बढ़िया गई होगी। हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ यू गाइस। एंड मैं आई हूँ अब मेरे होम टाउन नासिक दिवाली के लिए। सो मैं बाहर जा रही थी कहीं पर और मैं अपना मेकअप कर रही थी। जैसे कि आप देख रहे हो मैंने बेस कर लिया है, आई मेकअप करना बाकी है। और मुझे अचानक से याद आया कि मुझे कुछ टाइम पहले आई मेकअप करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती थी। मैं आई मेकअप नहीं कर पाती थी क्योंकि मुझे मेकअप करना ही नहीं आता था। और मुझे किसी मेकअप आर्टिस्ट ने कहा था बहुत टाइम पहले कि मेरी आंखों पर उसे मेकअप करना नहीं आता है बिकॉज मेरी आंखें छोटी है। सो मेरे दिमाग में यही चीज़ होती थी। बट जब मैंने मेकअप करना सीखा है उसके बाद से मुझे पता चला है कि मेरी आईज बहुत ही सुंदर है और बहुत प्यारी है। मेकअप करके मैं उन्हें और भी अट्रैक्टिव और सुंदर बना सकती हूँ, जो कि मैं हमेशा करती हूँ। सो बैक टू द पॉइंट, तो मैंने सोचा आई मेकअप का क्विक इजी एंड सिंपल एक छोटा सा वीडियो बनाया जाए जिससे जिन्हें मेकअप करना नहीं आता होगा वो क्विक मेकअप देखकर कुछ थोड़ा सा सीख पाए। और धीरे धीरे मेकअप करते करते मैं सीखी हूँ कि क्या चीज़ मेरी आंखों पर अच्छी लगती है, क्या चीज़ नहीं अच्छी लगती है, किस मेकअप से मेरी आंखें सुंदर लगती है, किस मेकअप से छोटी लगती है। ऐसी छोटी छोटी चीज़ें होती है ना जो आप खुद कर करके सीखते हो, वैसे ही मैंने भी सीखा है। तो मेरा जो सबसे फेवरेट है एंड मेरे लिए बहुत ही ईजी एंड क्विक है वो है स्मोकी आईज, जो मैं बहुत क्विकली बना लेती हूँ। आज हम वही करेंगे। बेसिक सी चीज़ें हैं मेरे पास मेकअप की, सो हम उसी में से अपना आई मेकअप करेंगे। लेट्स गेट स्टार्टेड। सो सबसे पहले मैं अपना आई शेडो करूंगी, जो कि ये नायका का पैलेट है मेरे पास, छोटा सा स्मॉल पैलेट है, क्यूट सा, एंड इसमें सारे न्यूड शेड्स है। सो मैं जब हमें स्मोकी आईज करनी होती है, मुझे ऐसे लगता है कि जब आप लाइट आई शेडो लगाओगे और उस पर स्मोकी करोगे तो वो थोड़ा ज्यादा अच्छा दिखता है दिखने में। सो मैं जब भी स्मोकी आईज बनाती हूँ तो मैं लाइट कलर यूज करती हूँ। मैं ये वाला शेड यूज करूंगी, सेकेंड वाला, एंड ये बहुत ही अच्छा पिगमेंटेड है तो ये ज्यादा लेने की भी जरूरत नहीं है, ऐसे करने से भी हो जाता है। हो गया, मैं डेली यूज के लिए भी यही वाला शेड यूज करती हूँ। एंड आई मेकअप के बारे में क्या होता है ना, आपकी जैसे आपकी आईज है उस हिसाब से आपने मेकअप करना चाहिए, मुझे ऐसे लगता है। जैसे मेरी आंखें थोड़ी सी छोटी है और अगर इस पे आप डार्क शेड लगा लो ना तो वो इतना ज़्यादा अट्रैक्टिव या इतना ज़्यादा अच्छा नहीं लगता है जितना आप लाइट करोगे वो सुंदर लगेगा। वैसे सबकी आंखें होती है, तो आप जब मेकअप करते हो ना ये खुद आपको ढूंढना है मेकअप करते करते कि आप पे क्या अच्छा लगता है और क्या अच्छा नहीं लगता है, ये खुद आपको ढूंढना पड़ेगा। हमने सेम वाला शेड जो है, सेम शेड मैंने थोड़ा सा यहाँ पर भी लगा लिया है एंड आई शेडो मैंने बना लिया है ऐसी। अब मैं ये माई ग्लैम का है मेरे पास 4-in-1 आई शेडो किट है, इसमें जो है ब्राउन एंड ब्लैक ये दो शेड है ये यूज़ करूँगी मैं। इसी ब्रश से यूज़ करेंगे हम, यही ब्रश, क्या बोले मैं, इसी ब्रश से हम वो ब्लैक शेड भी अप्लाई करेंगे बिकॉज हम इतने ब्रशेज यूज़ नहीं करते हैं। इसे थोड़ा साफ कर लेते हैं। तो ये जो है ब्लैक वाला शेड, इसे हम थोड़ा सा टिप्स पर ऐसे कर लेंगे हल्का सा सी, एंड इसे हम ब्लेंड करेंगे अच्छे से। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है आई शेडो बहुत अच्छे से ब्लेंड करना। अगर आप ब्लेंड नहीं करोगे ना तो बहुत सारे लाइंस बन जाते हैं या फिर वो यहाँ यहाँ गिर जाता है नीचे। सो अच्छा ब्लेंड करो आई शेडो, बहुत लॉन्ग लास्टिंग, बहुत टाइम तक रहेगा और बहुत सुंदर भी दिखेगा। ये यहाँ पर ऐसे हल्का हल्का सा ब्लेंड करना है, सी डिफरेंस दिख रहा होगा। ये मेरा सबसे फेवरेट वाला है जो मैं आईज बना रही हूँ अभी, क्योंकि ये मोस्ट ऑफ द टाइम्स ना मैं जब भी रील्स बनाती हूँ मोस्ट ऑफ द टाइम्स मैं ये सेम आईज बनाती हूँ, जो बहुत मुझे ऐसा लगता है कि मेरी आंखें बहुत ही प्यारी लगती है, सेक्सी लगती है, अट्रैक्टिव लगती है इस वाले मेकअप से। मुझे आईलाइनर लगाना पसंद नहीं है तो मैं बहुत ही रेयर, मतलब अगर एक साल में मैं 50 बार मेकअप करूँगी तो मैं शायद एक बार आईलाइनर लगा लूं या मैं वो भी ना लगाऊं, मुझे पसंद ही नहीं आईलाइनर लगाना। ये हम यहाँ पर कॉर्नर्स पर भी थोड़ा हल्का हल्का सा मर्ज करेंगे, अच्छे से ब्लेंड करेंगे सी। ये जो यहाँ की ये लाइन है ना, यहाँ पर थोड़ा डार्क करना है एंड ये जब ब्लेंड हो जाए अच्छे से तो फिर उस ब्रश को आपको यहाँ पर मर्ज करना है ताकि ये ज़्यादा डार्क ना हो। ये इस वाली लाइन से ये थोड़ा हल्का सा लाइट होना चाहिए शेड,
नहीं तो वो खराब दिखेगा फिर से। डन, बहुत इजी था यार। हम सेम कर लेंगे ये वाली साइड भी। अच्छे से मचाना है। हो गया, कितना इजी था। डन, अब ये सेम जो ब्लैक शेड है ये हमें यहाँ पर भी अच्छे से मर्ज करना है, बिकॉज यहाँ पर जो रिंकल्स होते हैं, जो लाइंस बनती है, उससे वो नीचे नीचे स्प्रेड हो जाता है और फिर ये पूरा जो आई मेकअप यहाँ पे जो हाइड किया होता है ना अंडर आइज, वो पूरा दिखने लगता है बहुत ज़्यादा। तो हमें यहाँ पर बहुत ही सेफली, बहुत ही हल्के से ब्लेंड करना है शेडो। और ये सिर्फ हाफ लाइन पर ही करना है, यहां पर नहीं करना है, सिर्फ यहां से यहां तक करना है। दैट्स इट। सी, डन। अब इसे मैं थोड़ा सा इस पे थोड़ा हल्का सा जो शाइनी ग्लिटरी आई शेडो है, थोड़ा हल्का सा वो मैं लगाऊंगी वहां पर। इसी का है शेड, ये गोल्डन वाला जो है ना, ये हल्का सा लगाऊंगी मैं यहाँ पर। थोड़ा सा शाइन हो रहा है ये सुंदर सा, और इसे ही थोड़ा सा इनर कॉर्नर्स पे हम अप्लाई कर देंगे फिंगर से। सी, कितना शाइनी शाइनी सुंदर सा लग रहा है। और इसी तरह से मेरा आई मेकअप हो चुका है। ये बहुत ही इजी एंड क्विक था, क्योंकि मैंने तो अभी वीडियो बनाई है इसलिए शायद ये थोड़ा स्लोली किया है मैंने, बट ये अगर मैं नॉर्मल डेज पे करती हूँ ना तो मुझे एक मिनट भी नहीं लगता है, मैं हो गया। बट अभी मुझे दिखाना था कि मैं कैसे करती हूँ, सो मैंने बहुत ही स्लोली किया है। अब ये वाइट काजल अप्लाई कर रही हूँ मैं, बिकॉज डिफरेंस अभी तुरंत पता चल जाएगा आपको। सी, ये जो आंखें है ना थोड़ी सी छोटी होती है, अगर तो आप वाइट काजल यूज करोगे ना तो आपकी आंखें बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव और ऐसे दिखेंगी, बड़ी बड़ी सी आंखें दिखेंगी। तो मैं हमेशा वाइट काजल यूज करती हूँ, जिससे मेरी आंखें बहुत ही सुंदर हो जाती है, अट्रैक्टिव हो जाती है। और इसी के साथ साथ हमारा आई मेकअप हो चुका है। मैंने फिर भी बहुत लाइट ही किया है ये आईज का। मैंने सोचा कि कभी मैं कुछ रेडी होना हो, मुझे अच्छा सा रेडी होना हो, मास्क वाला कुछ सेक्सी से कपड़े पहन रही हो, जहाँ पर मुझे बहुत ज़रूरत है स्मोकी आईज की, तो मैं उस टाइम वापस से वीडियो बनाऊंगी और उस टाइम बनाऊंगी मैं। सो मैं मस्कारा यूज़ कर रही हूँ अभी, ये है मेबेलिन का फॉसेस लैशेस लिफ्ट वाटरप्रूफ। मैं वाटरप्रूफ मस्कारा समटाइम्स यूज़ करती हूँ, डेली नहीं यूज़ करती हूँ, बिकॉज डेली बहुत ही हार्मफुल होता है आपकी लैशेज के लिए वाटरप्रूफ मस्कारा यूज़ करना। बट मैं जो नॉर्मल मस्कारा यूज़ करती हूँ, मैं भूल गई हूँ घर पे, मैंने लाया नहीं यहाँ पे, सो अभी मेरे पास ये वाला है, मैं ये वाला अप्लाई करूँगी। ट्रस्ट मी गाइस, इसे रिमूव करना ना मस्कारा ये वाला बहुत मुश्किल होता है। मैं रात को लैशेज पर वैसलीन लगा के रखती हूँ 15-20 मिनट्स, और फिर वो नेचुरली मेल्ट होकर निकलता है, तो बहुत ज्यादा मुझे आई जैसे रब नहीं करनी पड़ती है। मस्कारा रिमूव करने के और भी तरीके होंगे, बट मैं वैसलीन लगा के रखती हूँ, बिकॉज वो नेचुरली निकल जाता है। और ये बन गई है हमारी सुंदर अट्रैक्टिव आंखें। अब हम इन सुंदर सुंदर आंखों से तीर मारने के लिए तैयार है, पूरी तरह से तैयार है।
सी कितना प्यारा सुंदर सा लग रहा है। कितना इजी बन गया है मतलब, और बहुत ही सुंदर भी बना है सी। सो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है आई शेडोज के लिए, आपकी आंखों का जो शेप है उस शेप के हिसाब से आपने अपनी आंखें हमेशा बनानी चाहिए, आई मीन उस हिसाब से आपने मेकअप करना चाहिए। अगर आपकी आंखें थोड़ी सी छोटी है ना, तो टिप्स है ये, तो आप व्हाइट काजल यूज़ किया करें ताकि उससे आपकी आंखें थोड़ी सी बड़ी और अट्रैक्टिव लगे। एंड जैसे मैंने किया है ये आउटर लाइन जो है, ऐसे करने से भी आपकी आंखें थोड़ी सी बड़ी लगती है। मस्कारा हमेशा फॉल्स लैशेज जो भी आता है, आपको वाटरप्रूफ अच्छा लगता है या नॉर्मल अच्छा लगता है, बट जो फॉल्स लैशेज होता है ना, वो वाला आप यूज़ किया करें ताकि उससे आपकी लैशेज भी बड़ी लगने लगे, और लैशेज बड़ी लगती है तो आंखों का शेप ऑटोमेटिकली बड़ा लगने लगता है। सो ये था आज का छोटा सा क्विक सा छोटू सा स्मोकी आई ट्यूटोरियल कह सकते हो इसे आप। तो हम फिर से मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए डाडा बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। डू लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड आपको ये छोटी सी टिप्स मेरी अच्छी लगी होगी तो कमेंट कर जरूर बताना गाइस। एंड यस, मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना मत भूलना, मैं इंस्टाग्राम आईडी यहाँ पर मेंशन कर रही हूँ। आई लव यू ऑल।